हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी माय यूट्यूब चैनल मी एंड यू। आज बेसिकली हम बात करेंगे स्लैब की शटरिंग कैसे होती है, स्कैफोल्डिंग कैसी होती है, कहाँ पे हमें शटरिंग लगानी चाहिए, कहाँ पे शटरिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए। आज बेसिकली मैं इन बातों को आपको बताऊंगा। सो वीडियो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की शटरिंग लगी हुई है, स्कैफोल्डिंग की शटरिंग लगी हुई है और प्लाई की शटरिंग लगी हुई है। आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हर तरफ प्लाई की शटरिंग लगी हुई है और स्कैफोल्डिंग ना यहाँ पे बल्लियों का इस्तेमाल किया गया हुआ है। जैसे इस पाइप की जगह बल्लियों का इस्तेमाल करते हैं, ना यहाँ पे बल्लियों का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यू प्लाईज लगी हुई हैं, यहाँ पे ना ही फट्टों का इस्तेमाल किया हुआ है, ना कोई लोहे की शटरिंग लगी हुई है। एक्चुअली ये जो नई प्लाई होती है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और स्कैफोल्डिंग होती है, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं होता कभी भी कुछ गिरने का। बल्ली इसके नीचे हमें लगाना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं होती, ऊपर से हल्का सा कुछ लग गया तो गिरने का डर रहता है। इन स्कैफोल्डिंग से ये फ़ायदा होता है। देखिए, इस स्कैफोल्डिंग में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये लगा हुआ है, जॉइंटर लगा हुआ है, क्लिप्स लगी हुई हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा ये लगा हुआ है, ये 5 फुट की डिस्टेंस पे नीचे से देखिए, ये नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, 0 लेवल है ये मेरा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरा 5 फुट के उस पे लेवल पे लगा हुआ है। इस पे क्या होगा, यहाँ पे जॉइंटर लगे, क्लिप्स लगे हुए हैं, क्लैंप लगी हुई हैं। इन क्लैंप से क्या होगा, एक क्लैंप यहाँ पे लगी हुई है, एक क्लैंप ऊपर लगी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हो, और उसके ऊपर एक और क्लैंप्स लगी हुई है। इन क्लैंप से क्या फ़ायदा होता है कि सपोज करो कि अभी यहाँ पे एक ही क्लैंप्स लगी होती है, 2 क्लैंप्स लगी होती तो इस पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, एक पाइप पे तो खतरा हो सकता है, लोडेड बहुत होता है, कंक्रीट डलती है, लोडेड होती है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो ये मैं सब आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे शटरिंग लगी हुई है, प्लाई की शटरिंग लगी हुई है, न्यू प्लाई की शटरिंग लगेगी, तो हमेशा की याद रखना कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और हमें शटरिंग लगाते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको ये सब दिखाऊँगा। ये देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे कॉर्नर में, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये थोड़ी पुरानी प्लाई लगी हुई है, एक बार यूज़ की चुकी है, तो इस पर देखो सिलेरी गिरी हुई है। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वाइट होल्स दिखाई दे रही हैं। होल्स सबसे पहले भरे हुए होने चाहिए, जिससे कभी हमारी कंक्रीट हो तो कंक्रीट गिरे ना, सिलेरी उसकी नहीं निकले। ये होल्स भरे हुए होने चाहिए पीयू फॉर्म से, कहीं भी कोई गैप है तो वो भरे हुए होने चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए जिससे शटरिंग निकल सके। देखो मैं दिखाता हूँ, वहाँ से सिलेरी मेरी थोड़ी बहुत निकली हुई है, तो ऐसी सिलेरी बिल्कुल भी नहीं निकली होनी चाहिए। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा हाइट पर है, सो प्लीज़। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा सिलेरी गिरी हुई है, वहाँ पे ये वाइट है दो, तो वो फॉर्म पीयू फॉर्म से मेरे गैप्स भरे हुए हैं, होल्स भरे हुए हैं। ये सब आपको दिखाता हूँ। ये शटरिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि साइट पे पता होना चाहिए कहाँ पे शटरिंग में क्या होता है, क्या नॉलेज होती है। ये देखो, यहाँ से वहाँ चारों तरफ स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि शटरिंग का आपको बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा शटरिंग्स पे क्या हो रहा है, कॉर्नर फिलअप होने चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, गैप रहेगा तो नीचे सिलेरी गिरेगी, कंक्रीट भी गिर सकती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, हैनीकम्स पड़ सकते हैं, एयर जाएगी। ये देखिए, और जहाँ पे हल्की सी भी होल होंगे तो वहाँ पे वाइब्रेटर नोजल चलेगा, तो उससे क्या है कि हमारी शटरिंग थोड़ी और खुल सकती है, गैप और ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए शटरिंग लगाते टाइम। शटरिंग लगाने के बाद स्लैब में ऊपर से लेवल ज़रूर होना चाहिए, लेवल फिक्स होना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, ऊपर आपको जैक भी लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, जैक लगे हैं, इसका फोल्डिंग पाइप के ऊपर जैक लगे हुए हैं। थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, ऊपर जैक लगा हुआ है, ये सब जैक लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मेरी शटरिंग की थी। सो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।